सूरह दोहा सुनने और पढ़ने के फायदे आज की वीडियो में जरूर जानिएगा। हर काम में कामयाबी के लिए अगर कोई शख्स नाराज हो गया तो उसको वापस बुलाने के लिए, अगर किसी शख्स को रात को डर लगता है तो उसके लिए, कारोबार में बरकत के लिए अगर कोई सामान रखकर भूल गए हो तो उसके लिए, अगर आप कोई काम करना चाहते हो और काम में फायदा होगा या नुकसान तो वो आप ख्वाब या सपने में जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबर मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वजीफा पावर। अगर कोई शख्स अपने काम में कामयाबी चाहता है, वो चाहता है कि मुझे हर काम में कामयाबी मिलती चली जाए, तो अपना काम शुरू करने से पहले आप सूरह दुहा पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ना नहीं आती है तो सूरह दुहा को 21 बार आप सुन लीजिएगा। 7 दिन तक आपको ये अमल करना होगा, इंशाल्लाह हर काम में कामयाबी मिलती चली जाएगी। अगर कोई इंसान घर से नाराज होकर चला गया है या आपसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है या फिर आपकी आपस में लड़ाई हो गई हो और लड़ाई हो जाने के बाद वो शख्स घर से चला गया हो और आप उस शख्स को अपने पास बुलाना चाहते हो तो आज आप सूरह दुहा जरूर पढ़ें। अगर पढ़ना नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी सामने आती है कि पढ़ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कानों से तेज़ आवाज़ में सूरह दुहा इस वीडियो में सुनाई जाएगी, वो ज़रूर सुनिएगा। नाराज शख्स को बुलाने के लिए, जो घर से भाग गया उसको बुलाने के लिए 111 बार आप इस सूरह को ज़रूर पढ़ेंगे। अगर पढ़ना नहीं आती है तो 111 बार आप इसी वीडियो में सुन लीजिएगा और ये अमल आपको 11 दिन तक करना होगा। इंशाल्लाह वो नाराज हुआ शख्स, घर से भागा हुआ शख्स बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। अगर कोई शख्स अपना सामान रखकर कहीं भूल गया है और उसको याद नहीं आ रहा है और वो सामान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, अब वो याद कर रहा है लेकिन उसको वो सामान याद नहीं आ रहा है कि मैंने किस जगह पर उस सामान को रखा है या मैंने किसी को सामान दिया है तो कि उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, सूरह दुहा आपको पढ़ना होगी। अगर पढ़ना नहीं आती है तो आप इसको सुनिएगा, इंशाल्लाह वो शख्स आपको याद आ जाएगा जिसे आपने सामान दिया था या कहीं भी आपने कोई सामान रखा था तो आपको फौरन याद आ जाएगा इंशाल्लाह। हर इंसान चाहता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो इसमें मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो आज आप इस बात को भी जान सकते हैं। कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो आप उस काम को अपने दिमाग में रखिएगा और इस सूरह को पढ़िएगा। इस सूरह को आपको इशा की नमाज के बाद 11 बार पढ़ना होगा। अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप 11 बार सुन लीजिएगा और आपको ख्वाब में यानी कि सपने में पता चल जाएगा कि ये काम मेरे लिए है या मैं इस काम में नुकसान होगा मेरा, तो फ़ायदा और नुकसान आपको ख्वाब में पता चल जाएगा। ये अमल आपको 7 दिन तक करना होगा। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं है, बहुत परेशान हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपके कामों में बरकत नहीं आ रही है, तो आज आप इस सूरह दुहा को 313 बार पढ़िएगा। अगर पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा या इसी चैनल पर आकर आप सूरह दुहा को 313 बार ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपके कारोबार में, रोज़ी में, पैसे में, दौलत में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर किसी शख्स को रात को डर लगता है, ख्वाब में डर जाता है या वैसे ही डरता है, तो उसके डर को दूर करने के लिए आप सूरह दुहा को 7 बार पढ़ें। इंशाल्लाह इसको पढ़ने से उस शख्स के दिल से डर निकल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो बस आपसे गुजारिश करता हूँ कि दिल से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देके जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप वजीफा पावर पर पहली बार आएँ तो वजीफा पावर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों अब सुन लेते हैं सूरह दुहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। आपको सूर्य दोहा सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली होगी, बहुत ही ज्यादा सुकून मिला होगा। अगर आप काम में कामयाबी चाहते हैं तो 21 बार पढ़ें 7 दिन तक। अगर कोई बात भूल गए या कोई सामान रखकर भूल गए तो आप सूर्य दोहा को जरूर पढ़ा करें। अगर कोई शख्स नाराज है या गुस्सा हो गया या घर से चला गया तो उसको वापस लाने के लिए 111 बार 11 दिन तक आपको पढ़ना होगी। रात को अगर डर लगता है तो डर को दूर करने के लिए 7 बार आप इसको पढ़कर सोया करें। कारोबार में बरकत के लिए सूर्य दुआ को 313 बार पढ़ें या सुना करें। और अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें फायदा और नुकसान देखना चाहते हैं तो आपको वो फायदा और नुकसान सपने और ख्वाब में दिख जाएगा, तो आपको 11 बार पढ़ना होगी सूर्य दुआ 7 दिन तक। तो आज आपने जाना सूर्य दोहा के बारे में। तो आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी कहीं जाइएगा मत, मैंने आपके सामने दो वीडियो लगाए हैं। अगर किसी भाई बहन के पेशाब में कैल्शियम, प्रोटीन या सफेद पानी आता है तो इन वीडियो को प्ले कर वदीपा पावर से आज ही अपनी दवा जरूर ऑर्डर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।